मेरा नाम उस्मा है और मैंने एनसीएस से ग्रेजुएट किया 2008 में, और ड्यूरिंग कोविड हम लोगों ने अपने काम को डेवलप किया सोशल आइसोलेशन सब्जेक्ट के ऊपर। तो इस काम के अंदर जो है मैंने सिंबॉलिकली अपने सिंबल से रिलेट किया है सोशल आइसोलेशन को, जैसे मैंने फ़िश को रिलेट किया है, जैसे फ़िश जो है वो पानी के बगैर नहीं रह सकती, और इसी तरह इंसान ह्यूमन सोशल एनिमल है, सो वो भी जो है वो लोगों से मिले बगैर वो सरवाइव नहीं कर सकता, रह नहीं सकता, उसके लिए भी इस तरह की डिप्रेशन और वो इस तरह की सिचुएशन में वो गया। और जो कि दुनिया का एक निज़ाम है वो जो जैसे हम लोग पहले रह रहे थे, और वो हमें एक फ़र्क फीलिंग थी। शेरजान लूनी मेरा नाम है। मैं बेसिकली सिबी बलोचिस्तान से ताल्लुक है। सिबी से 10 किलोमीटर शुमार जनूब की तरफ गांव है हमारा लूनी के नाम से। तो जब फर्स्ट वेव आई थी कोरोना की, तो उस दौरान जब आपका लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो मैं चला गया गांव, तो यहां तो कराची सब बंद हो गया था, टेंशन पे चली थी। जब मैं गाँव पहुँचा तो वहाँ तो कोई इजी लोग, कोई टेंशन ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं कि कोरोना क्या होता है। तो हम लोगों को बता रहे थे भाई सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है वो। तो इस दौरान मेरे गांव के से 2-3 किलोमीटर फासले पे ये सारे पहाड़ हैं, तो मैं पहाड़ों में गया तो मुझे वहाँ बड़ा सुकून है कि आइसोलेशन जो थी ना वहाँ, इससे बेहतरीन मैंने कहा आइसोलेशन कहीं है ही नहीं। तो मैं वहाँ गया, अपने पहाड़ गाँव के जो पास थे उनको मैंने स्केच किया, पेंट भी किया। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम माकिफा है। मैं सोशल आइसोलेशन एक ग्रुप शो है कराची में आर्ट सीन में, उसमें आर्टिस्ट हूँ। ये मेरी एक पेंटिंग है और यहाँ पे हम सबका काम लगा हुआ है। मैं लाहौर से हूँ, लाहौर बेस्ड हूँ, यहाँ कराची आई हुई हूँ। हम लोगों का काम पेंडेमिक में है, कोविड-19 पे। पिछले साल हमने मिल के काम किया पूरा एक साल। सोशल आइसोलेशन जो थी वो पेंडेमिक की वजह से करनी पड़ी, बिकॉज़ ये जो वायरस था उसकी वजह से डॉक्टर्स ने कहा कि एक दूसरे से फासला रखना पड़ेगा, और हम सब घरों में बंद हो गए। उसके वजह से बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हुए, लोग बहुत तकलीफ़ में चले गए। इन सब चीज़ों के साथ पूरी दुनिया में इंसानों ने बहुत सारी तकलीफ़ात बर्दाश्त की। ये जो स्ट्रगल्स थी उसके बारे में सोचते हुए इन एक्सपीरियंसेस को पर्सनली सारे आर्टिस्ट ने अपने तरीके से एक्सपीरियंस करते हुए पर्सनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया और अपने तरीके से अपने मीडियम्स में एक्सप्रेस किया।